नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। पहले भी उनके पाकिस्तान जाने की वजह से उनकी बहुत निंदा की गई थी। अभी हाल ही में हुए पुलवामा हमले में उन्होंने जो बयान दिया उसकी वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उनका बयान था कि एक मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम पूरे देश या किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि ये हमला कायरता की निशानी है और वो इसकी निंदा करते हैं। हिंसा की हमेशा निंदा होनी चाहिए और जिनकी गलती है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले को हम बातचीत से भी सुलझा सकते हैं। जिन्होंने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मानते हैं कि उन्होंने ये किया 1999 में कंधार में उनकी बेड़ियां किसने खोली, उन्हें किसने रिहा किया था, ये मैं पूछना चाहता हूं। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी लड़ाई उनके साथ है। क्यों फौजी मरे, क्यों जवान मरे, क्यों बाप के कंधे के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बेटे का जनाजा, 1700 इंसिडेंट क्यों बढ़े, परमानेंट सोल्यूशन क्यों ना हो? इनके साथ हम सबकी जंग है और मेरी भी है, लेकिन किसी गुरु के सिख की जंग, किसी 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, मजलूम महिला, बुजुर्ग के साथ नहीं हो सकती। क्या किसी गर्भवती महिला के पेट में पलता हुआ बच्चा किसी का दुश्मन हो सकता है? आप इन आतंकवादियों से लड़ाई लड़िए, उनके पनाहकारों से लड़ाई लड़िए, उनके पनाहकारों को लिखिए कि दे नीड टू बी एक्सट्राडाइटेड। मैं अटल खड़ा हूं और आज भी जो मेरा स्टैंड है वो कोई झुका नहीं सकता, लेकिन उसको लाओ जिसने ये किया था, और जिसने किया था, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 99 में कांधार जब हुआ था, उसे किसने छोड़ा था? आतंकवाद की कोई जात नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कौम नहीं। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा है, अडिग है। आज कुछ फोटोएं दिखाई, वो फोटोएं इसकी बहन के साथ भी हैं, लोंगोवाल साहब के साथ भी हैं। क्या उनको ब्लेम किया जा सकता है? मेरे साथ 7000 फोटोएं खिंचाते हैं लोग, हर रोज़ कोई ना कोई आता है। मुद्दा ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मुद्दा वो है, और इस मुद्दे पे नवजोत सिंह सिद्धू अडिग खड़ा रहेगा, और मेरा सर्वस्व भी अगर जाता है तो न्यौछावर है उन शहीदों के। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के 40 CRPF जवान शहीद हो गए। इस घटना की वजह से पूरे देश में मायूसी छाई हुई है। देश के लोग अपने वीर जवानों की शहादत का बदला चाहते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, नौजवानों से लेकर महिलाओं तक और सारे सेलिब्रिटीज ने भी अपने तरीके से अपना दुख जाहिर किया। ऐसे में सिद्धू के इस बयान में पाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ नरमी बरत रहे हैं। देश के लोग पाकिस्तान से हर रिश्ता ख़त्म करके बस बदला चाहते हैं। जहां एक ओर लोगों में गुस्सा, आक्रोश और बदले की भावना है, ऐसे में सिद्धू का ऐसा कहना उनको एक बार फिर से विवाद में ले आया। उनके इस बयान की वजह से उनको द कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया, जिसमें उनको रिप्लेस किया अर्चना पूरन सिंह ने। सिद्धू के बयान के बाद उनको शो से निकाल दिया गया है, तो सर आप बताएंगे ये सही था या गलत? बिल्कुल सही था, क्योंकि उनको वो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, ये है वो है, लेकिन जहाँ उसको देश के लिए उनको हित में बोलना चाहिए, वो उन्होंने हमेशा गलत बात ही करी है। पूरी पूरी बात, पूरा आंसर कभी नहीं देते, वो आधी बात करके और हंसी में उड़ा देते हैं बात को, वो कभी सीरियस है ही नहीं देश के लिए। बिल्कुल गलत है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो खाली पाकिस्तान के हैं, उन्हें पाकिस्तान वापसी भेज दो। सर जैसे कपिल शर्मा शो से निकाला भी गया, तो आपके अकॉर्डिंग वो सही किया? बिल्कुल बढ़िया काम किया उन्हें, उन्हें इस देश से निकाल देना चाहिए इसके बाद। वो स्टेटमेंट गलत है, और उसको जो कपिल शर्मा शो से क्या कहते हैं कि बाहर कर दिया गया, वो अच्छा किया गया। अब मुझे चाहता हूँ कि वो दोबारा उसकी एंट्री ना हो, क्योंकि वो देश के खिलाफ बोल रहा था।